नमस्कार, पुष्पलता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ झटपट बनने वाला नाश्ता। तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने नाश्ता बनाने के लिए 1 कप सूजी ले रखे हैं। सूजी जो है बारीक वाली ले रखे हैं। तो जितनी सूजी ले रखे हैं उसका आधा हिस्सा हम दही लेंगे, और दही को हम थोड़ा सा पहले डाल करके सूजी में हम मल लेते हैं। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, और पिंच बराबर सोडा भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें नहीं डाली हूँ, ये आपकी पसंद है। और इसको मैं मिलाते हुए इसको गूनूंगी। तो गूनने से पहले इसमें मैं बारीक कटी हुई एक हरी मिर्च डाल देती हूँ, और स्वाद अनुसार इसमें मैं नमक डाल दूंगी, और पिंच बराबर इसमें मैं जीरा डाल दूंगी। और अब इसको मैं गूंद करके तैयार करूंगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही दही डालते हुए गूंद करके तैयार कर लेती हूँ। तो इसको मैं फटाफट गूंद लेती हूँ। तो एक बार इस नाश्ते को आप ज़रूर बना के देखिए। अगर आपको पसंद आता है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने गूंद करके तैयार कर ली हूँ। अब इसके बना लूँगी छोटे छोटे से पेड़े। तो आप देख सकते हैं एक नींबू भर का, जो छोटे साइज का नींबू होता है उसी साइज का मैंने पेड़े लेकर के इस तरीके से गोल करके इसको थोड़ा सा दब कर दी हूँ। और अब इसमें मैं उंगली से इस तरीके से होल कर लूँगी। आप चाहे तो किसी पतले बेलन की डंडी से भी होल कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं सभी को तैयार कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं, और अब इसे मैं भाप लूँगी। तो भापने के लिए मैंने छन्नी में रिफाइंड ऑयल लगा दी थी, अब इसी में सभी को मैं फैला लेती हूँ। इसको मैं 5 मिनट के लिए इसको मैं भाप लूँगी। इससे ये होगा कि तेल बहुत ही कम लेगा फ्राई करते समय। तो इसको मैं देख लेती हूँ। तो देख सकते हैं ये टाइट हो चुका है, यानी ये बढ़िया से स्टीम हो चुका है। तब इसको मैं बंद करके इसको मैं निकाल लूँगी। अब मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी थी रिफाइंड डाल करके, रिफाइंड गरम हो चुका है। अब इसी में मैंने रिफाइंड को गरम करके और हल्का एकदम आँच कर ली थी, अब फिर उसमें मैं डाल रही हूँ। अगर आप हाई फ्लेम पर अगर इसको फ्राई करते हैं तो इसमें बबल से निकल जाएंगे, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए। तो इसलिए गरम करके तेल फिर उसको हल्का कर लें, या फिर उसके बाद आप इसको डाल करके फ्राई करें। इससे इसकी शेप बहुत ही अच्छी बनी रहेगी, नहीं तो इसमें बबल से पड़ जाते हैं तो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। और इसको मैं पलटते हुए इसको फ्राई करूंगी। तो इसको मैं कई बार अलट पलट के फ्राई करके तैयार करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने फ्राई कर ली हूँ, ये बहुत ही बढ़िया फ्राई बन होकर के तैयार हो रखे हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, और इसी तरीके से जो बाकी बचा हुआ उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो अब मैं ले रखी हूँ करछी, उसमें डाल दूँगी पिंच बराबर हींग। और अब इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा कढ़ी लीप, और इसमें डाल देती हूँ जीरा, और दो टुकड़ा लाल मिर्च सूखी वाली। इसको हल्का सा भून करके मैं दही में छौंका लगा लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको छौंका लगा ली हूँ, और अब इसको मैं सर्व कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं नाश्ता बन के तैयार हो रखा है। तो एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिए। अगर पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर कोई कमियाँ है तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नई एक पुरानी रेसिपी के साथ। नमस्कार।